नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है दिल्ली से। मुकुंदपुर वार्ड में अजय शर्मा की विशाल बाइक रैली निकाली, जिससे आम आदमी पार्टी की यहां जीत सुनिश्चित रूप से दिखाई देने लगी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और निवर्तमान पार्षद अजय शर्मा इस वार्ड के ही बेटे हैं और सभी वर्ग के लोग इन्हें चाहते हैं। पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार से मिलकर इन्होंने ऐसा काम भी करवाए जो निगम के द्वारा नहीं हो सकते थे, इसलिए जनता का कहना है कि अजय शर्मा ही यहाँ का काम करवा सकता है, वह किसी दूसरे को अपना वोट नहीं देंगे। आज जब अजय शर्मा की बाइक रैली निकली तो मोटरसाइकिल और स्कूटी से चलने वाले लोगों की लंबी लाइन लग गई और पूरे वार्ड में दो पहिया वाहन दिखाई ही दे रहे थे, जिन पर आम आदमी पार्टी का झंडा लगा हुआ था। कहीं ना कहीं आज जो माहौल अजय शर्मा के पक्ष में दिखाई दिया, इससे विरोधियों ने अपना चुनाव प्रचार भी लगता है कम कर दिया होगा, क्योंकि आज अजय शर्मा की जीत निश्चित दिखाई दे रही है। आज की बाइक रैली बाबू जगजीवन राम अस्पताल जहांगीरपुरी से शुरू हुई, जो डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और मुख्य रोड से होते हुए मुकुंदपुर, डी ब्लॉक, शुक्ला कॉलोनी और पूरे वार्ड में यह यात्रा घूमी। जहां जहां से यात्रा गुजरी वहां वहां पर माहौल आम आदमी पार्टी और अजय शर्मा के समर्थन में दिखाई दिया। अब जनता का कितना समर्थन इन्हें है यह तो आने वाले 7 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। जी क्या कहेंगे, जो जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, क्या कारण है लोग जनता आपके साथ जन सैलाब बन के आपके साथ चल रही है? मैं जनता के परिवार का बेटा हूँ। इन्होंने मान लिया कि अपने बेटे को इतने मार्जिन से जाएंगे कि 10,000 नोट कर लीजिए, 10,000 से प्लस का मार्जिन होगा वार्ड नंबर 8 के अंदर। और ये जनता खरीद के लाइन हुई नहीं है, यहाँ की लोकल जनता जो फ्री के अंदर आई है और एक तरफा जिता के भेजेगी। अजय जी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। 12 बजे समेट देंगे बीजेपी वालों को, नोट कर लीजिए, 12 बजे समेट देंगे। अजय जी गलियों की साफ सफाई की बात करें, कूड़े के पहाड़ का लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको किस तरह से केजरीवाल जी पर जादू की झड़ी सब कर देंगे, ये झाड़ू में सफाई करेगी। अजय जी क्या मानते हैं कि दिल्ली में कितनी सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी? 200+, नोट कर लीजिए। पार्टी की हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद अजय भाई की बहुत बड़ी मार्जिन से जीत होने वाली है। लोग अब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त MCD हो, लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली साफ हो, लोग चाहते हैं कि MCD की अस्पताल, MCD के स्कूल भी दिल्ली सरकार जैसा हो, इसलिए लोग इस बार भाजपा से बदला लेने के लिए वोट कर रहे हैं। देखिए अरविंद जी ने कह दिया है कि लेंटर माफिया को ख़त्म करना है, हम अनऑथराइज कॉलोनी में नक्शा पास कर देंगे और हमारा एक भी MCD का अधिकारी, MCD का इंजीनियर कभी किसी को परेशान करने नहीं आएगा। तो आज अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार जिस अस्पताल में व्यवस्था उन्होंने दिया है, वही व्यवस्था MCD भी लोगों को मिलेगी। देखिए अब छोटी गलियां MCD की, बड़ी गलियां दिल्ली सरकार की, छोटी सड़कें MCD की, बड़ी सड़कें दिल्ली सरकार की, ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, अब सब हमारी होगी और इसीलिए सब जगह एक जैसा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।